मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन्स कॉल आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि सर मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं जब इंस्टीट्यूट में गया ना तो मुझे मार्वल की मूवीज दिखाई गई, बोला कि देखो आप सेम VFX क्रिएट कर लोगे, है ना। और सर्टिफिकेट की वैल्यू कुछ भी नहीं होता, आप कहीं पैसे से आपको जॉब दे रहे हैं, है ना। प्लेसमेंट के नाम पे आपको 10,000-15,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है खर्चे के नाम पे। तो जब भी मैं शाम को जिम जाता हूँ तो मेरे घर के पास में एक वॉल आर्ट बनाया, अच्छा सा, बहुत कलरफुल। मैं हमेशा सोचता था यार ये वॉल आर्ट किसने बनाया होगा। तो आज जब मैं जा रहा था तो मुझे जो उनको पेंट कर रहे थे वो लोग मिले। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली इंडिया में जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट है या क्रिएटिव इंस्टीट्यूट है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन्स कॉल्स आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि सर मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। और उससे ज़्यादा मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मैंने पूरा कोर्स भी कंप्लीट किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ टूल सिखा के भेजा है, मुझे रियल स्किल आता ही नहीं है। और जब जॉब करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर पूछते हैं कि भाई तुमको आता क्या है, टूल तो इंटरनेट पर कोई भी सीख सकता है, क्या तुमको स्किल आता है, ग्राफिक बनाने आता है, रियल वीडियो एडिट करने आता है, या इस टाइप की चीज़ें उनसे पूछते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है यार, प्रॉब्लम कहाँ है, ग्राफिक इंस्टीट्यूट क्यों हमें वो नहीं सिखा पा रही है जो हमें बेसिकली सीखना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो मुझे सबसे पहला जो यहाँ प्रॉब्लम दिखता है वो दिखता है फ्रेंचाइज मॉडल, ठीक है। अब फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है? फ्रेंचाइज मॉडल होता है कि जैसे कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है, राजीव मेहता इंस्टीट्यूट, ठीक है, और मैंने उसका फ्रेंचाइज देना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ और आप अगर किसी पंजाब में या बिहार के किसी गांव में मेरे नाम से इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो तो आप वो खोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको फ्रेंचाइज मॉडल दिया है और उसके बदले में मैं आपसे कुछ पैसे लूँगा, 20,00,000, 30,00,000, 50,00,000, जो भी आपका रेट है उस हिसाब से मैं लूँगा। जितना बड़ा नाम उतना ज़्यादा रेट, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंचाइज मॉडल बेसिकली वर्क करती है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको एजुकेशन को आपने बिजनेस बना दिया, जो कि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई अच्छा प्रोवाइड कर दो तो उसके बदले में आप कुछ पैसे ले दो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपका फर्स्ट एम हो जाता है पैसा कमाना, क्योंकि आपने कोई चीज़ खरीदा है, आपने किसी को पैसे दे के उसके नाम से इंस्टीट्यूट खोला है और आपका फर्स्ट एम होता है वहाँ पे पैसे कमाना, भाई किसी तरीके जो भी आपने पैसे लगाए हैं उसको सबसे पहले रिकवर करना। तो यहीं भी बलि का बकरा बनते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को पता नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा क्या नहीं सिखाया जाएगा, वो बस नाम देख के वहाँ पे चले जाते हैं और मेन प्रॉब्लम वहीं से आनी स्टार्ट होती है। वहाँ के जो टीचर होते हैं वो बेसिकली टीचर होते ही नहीं है, वो वहीं से सीखे हुए लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं जो कहीं जॉब वॉब नहीं करते, फिर से वहीं पर टीचर बन जाते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा तेज होता है, जो चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं और चीज़ों को बहुत लगता है कि चलो यार कौन जॉब करे कौन चैलेंजेस ले, तो मैं वहीं से सीख के मैं वहीं से सिखाना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसकी सैलरी 20,000-25,000 या 30,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं होती, ठीक है। जस्ट आप सोचो कि आपसे वो 4-5 लाख रुपए एक कोर्स का ले रहे हैं, पूरे के पूरे सर्टिफिकेट देने का ले रहे हैं, और जो बंदा आपको सिखा रहा है उसकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपए है, तो वो क्या ही सिखाएगा। अगर उसके पास बहुत, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि कम पैसे वाले कुछ नहीं आता, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप में ज़्यादा टैलेंट है तो आप कम पैसे में क्यों काम करोगे, है ना। जाहिर सी बात है ना कि अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे से आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, तो 15-20 हज़ार तो मैं शायद एक घंटे में कमा लूँगा, तो मैं पूरा मंथ में वहीं पे क्यों सिखाऊंगा, है ना। क्योंकि मुझे आता ही उतना है, जो इंस्टीट्यूट का मॉडल है मैंने वही चीज़ सीखा है, अब वही चीज़ मैं आप लोगों को चेप रहा हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। देखो कोई चीज़ मुझे नहीं आता तो मैं क्या कहता हूँ कि देखो मुझे इतना ही आता है, और लेकिन अगर आपको ये काम करना है तो आपको ये चीज़ भी सीखना पड़ेगा जो आप बाहर कहीं से भी सीख सकते हो। ये बात इंस्टीट्यूट आपको बोल ही नहीं सकती, क्योंकि आपसे तो उसने सब कुछ सिखाने का पैसा लिया ना, अब वो नहीं सिखा पा रही तो आप क्या करेंगे, वो टाइम के साथ प्ले करेंगे, अच्छा इस महीने नहीं हुआ चलो अगले महीने सिखा देंगे, अगला महीने हुआ चलो अगले महीने सिखा देंगे, तब तक आपका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका टाइम आ गया, नेक्स्ट मंथ के जो फी देने का टाइम आ गया, तो फिर इसी तरीके से आप एक उम्मीद में सारा का सारा पैसा आप दे देते हो और इंस्टीट्यूट को बेसिकली यही चाहिए ही चाहिए, है ना। जब आपका कोर्स ख़त्म होता है तो वो आपको कहीं पे प्लेसमेंट कर देते हैं। अब प्लेसमेंट वाला फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब अगर तुम इसको बहुत डिटेल में समझोगे तो बहुत कुछ यहाँ पे समझने को मिलेगा। देखो जस्ट आप सोचो, जो इंस्टीट्यूट का मॉडल 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ में फ्रेंचाइज देता है,
क्या वो किसी कंपनी से टाई अप नहीं कर सकती, किसी कॉल सेंटर से या किसी ऐसे कंपनी में जहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, बहुत सारे वीडियो एडिटर चाहिए, वहाँ टाई अप नहीं कर सकती प्लेसमेंट के लिए? ऑफकोर्स कर सकती है। तो वो क्या करते हैं कि आपके ही पैसे से आपको जॉब दे रहे हैं, है ना, प्लेसमेंट के नाम पे आपको 10,000-15,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है खर्चे के नाम पे एज ए इंटर्नशिप में, ठीक है, और ये बेसिकली आपका ही पैसा है। अब जो इंस्टीट्यूट से आपने सीखा, आप किसी और कंपनी में जाकर देखो, आपको लात मार के बैठ जाएंगे, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सिर्फ टूल सीखा है। टूल कोई स्किल नहीं होता, स्किल होता है कि उस टूल को यूज़ करके आप क्या क्रिएट करते हो, है ना, जो कि आपने सीखा ही नहीं है। तो फिर आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास में ऑप्शन बचता है कि वो इंस्टीट्यूट कहीं पे आपको जॉब लगा के दे, है ना, जो वो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी करती है। आपसे जो पैसा उन्होंने 4-5 लाख मंथली लेते हैं, उसमें से कुछ पार्ट उस कंपनी को जाता है, उनसे टाई अप उस कंपनी के जाता है, और आपको लगता है यार वाह यार इस इंस्टीट्यूट ने तो मेरे को प्लेसमेंट लगा के दिया है। ये कोई प्लेसमेंट नहीं है, आपके ही पैसे से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। मैं देखो, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी चल रही है। अब यहाँ तक भी होना तो भी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है, कि चलो ठीक है यार, हमसे पैसा ले, कम से कम हमें कहीं पे जॉब लगा के दे रहे हैं, फिर हम उस जॉब को यूज़ करके हम लाइफ में आगे चले जाएंगे, नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इससे भी आगे है। देखो, क्रिएटिविटी ऐसा फील्ड है जहाँ पे किसी भी कंपनी में चले जाओ, सबसे पहले वो पूछेंगे कि आपको क्या आता है, कुछ आप बना के दिखाओ। शायद ही कोई कंपनी जब आपसे पूछेगी कि भाई अपना सबसे पहले सर्टिफिकेट दिखाओ, अगर सर्टिफिकेट में आप पास हो तो मैं आपका स्किल देखूंगा। कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना है ना, ऐसा होता है। और ऐसा वही लोग करते हैं जिस कंपनी से उनके टाई अप होते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई तुम सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ाओ, अगर सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ाओगे तो ही तो मेरे पास लोग आएंगे ना। इंस्टीट्यूट के पास देने के लिए आपके पास क्या है? नॉलेज तो वो दे नहीं सकते, क्योंकि उसके पास वैसे टीचर नहीं है। तो आपको देने के लिए उनके पास क्या है? सर्टिफिकेट है, एक नाम बना लिया और सर्टिफिकेट है। और सर्टिफिकेट की वैल्यू कुछ भी नहीं होता, जस्ट वैल्यू क्रिएट किया जाता है, है ना, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू बनाया जाता है। और वैल्यू कैसे बनाया जाता है कि उनके जान पहचान के जब कोई बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो सबसे पहले वो कहेंगे भाई सर्टिफिकेट है, ओके सर्टिफिकेट है तो फर्स्ट राउंड आप पार, वैसे ही आप पार कर गए, जो कि सब कंपनी में नहीं होती, कुछ कंपनी में होती है। और अगर आप सर्टिफिकेट के दम पे आपको जॉब लग भी गई तो भी आप 3-4 महीने में आपको लात मार के भगा दिया जाएगा, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है। और जब आपको लात मार के भगा दिया जाता है तब कहते यार प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ही बेकार है यार, यहाँ पे कब जॉब चली जाती पता ही नहीं होता। जॉब नहीं जाती, आप उस लायक ही नहीं बने। स्टार्टिंग से ही आपने खुद की प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट किया है बेसिकली, है ना, और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। आप जो आसपास सुनते हो, समझते हो और उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। इंस्टीट्यूट में जाने का डिसीजन कभी भी बच्चे नहीं लेते, स्टूडेंट लेते, उनके माँ बाप लेते। अब उनको लगता है सर्टिफिकेट जरूरी, क्योंकि वो भी सही है, क्योंकि वो जनरेशन गैप आ जाता है ना, उनके टाइम में सर्टिफिकेट जरूरी था, अभी के डेट में सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, क्योंकि टाइम इस हिसाब से चेंज हुआ है, क्रिएटिविटी इस हिसाब से चेंज हुआ है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है कि अब लोगों को बस काम चाहिए, काम से मतलब बस, सर्टिफिकेट की यहाँ पे कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट की यहाँ पे अब कोई नीड ही नहीं है, सर्टिफिकेट की नीड वहाँ है जहाँ के पीछे किसी को अपना उल्लू सीधा करना है और कहीं पे कुछ ना कुछ उनको मिल रहा है पीछे से, और एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आई थिंक अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है या बात होती है, जब फेस टू फेस बताते हैं कि सर मैं जब इंस्टीट्यूट में गया ना तो मुझे मार्वल की मूवीज़ दिखाई गई, ये बोला कि देखा आप, देखो आप सेम VFX क्रिएट कर लोगे, है ना, और मैं इसी देख के मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया कि चलो चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, है ना। इंस्टीट्यूट वाले हम लोगों को यार समझ लो बेवकूफ़ समझते हैं, है ना, कि हमें उनको लगता है कि हम क्या हम बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे इमेजिन करो, जिस इंस्टीट्यूट को मार्वल जैसा VFX बनाना सिखाना आता हो तो वो इंस्टीट्यूट खोल के क्या करेगी? वो फिल्म प्रोडक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा पैसा है। इंस्टीट्यूट से कितना कमा लेंगे? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ टर्नओवर। लेकिन जो मूवीज़ होती है वो कितना ज़्यादा हाइप देता है, कितना ज़्यादा नाम देता है, कितने करोड़ों में कमाती है। इंडिया में जो VFX बनते हैं कितनी लो क्वालिटी का VFX बनता है, अगर वो इतने ही इंटेलिजेंट होते तो वो यहाँ पे VFX ठीक नहीं करते। लेकिन नहीं, उनको जस्ट आपको एक सपना दिखाना है और सपना दिखा के वो चीज़ें करनी है। सोचो वहाँ के जो टीचर है उनको ऐसा VFX बनाना आता है तो 15-20 हज़ार में जॉब करते हैं, 50 हज़ार में वहाँ जॉब करते हैं, वो किसी VFX कंपनी नहीं स्टार्ट कर देते, या बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड या फिर कहीं और जाए काम नहीं करते वो, जिसमें अच्छी मूवी बनाते हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं। उनको लगता है कि भाई थोड़ा बहुत हम जैसे एक सपना दिखा देते हैं और सपना देख के तो भाई लोग कोई भी आ जाते हैं ना। अब वो लोग वहाँ पे दो तरीके से गेम खेलते हैं। जस्ट आप नोटिस करना, जब आप पेरेंट्स को साथ लेके इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो क्या आपको बोलेंगे? सर्टिफिकेट जरूरी है, देखो हमारे से पास होकर बंदा यहाँ गया है, इस कंपनी में प्लेसमेंट देंगे। आपको जॉब की बात करें, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स को उसको कन्विंस करना है कि भाई देखो यहाँ पे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जॉब लग जाएगी। पेरेंट्स को क्या चाहिए? भाई बच्चे सीखा डायरेक्ट जॉब लग जाए, वो उस वीक पॉइंट पर अटैक करते हैं, ठीक है।
अगर आप अकेले जाओगे तो आपको VFX वाली चीज़ दिखाएगी, मार्वल की मूवी, कुंगफू पैंडा की मूवी, कार्टून मूवी, देखो आप ऐसा क्रिएट कर लोगे, आप उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हो, अरे यार शिट ऐसा हम क्रिएट कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा, और आप वहाँ पे हाँ बोल के आ जाते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो ये आपकी लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन होगा, है ना। इससे बेटर है कि इंटरनेट से 1% 2% थोड़ा सा नॉलेज लो और किसी कंपनी में डायरेक्ट इंटर्नशिप लग जाओ। अगर वहाँ वो पे नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी वहाँ पे आप चीज़ें सीख जाओगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो यही बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो मुझे इंस्टीट्यूट से गुस्सा नहीं है, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है कि वो सच क्यों नहीं बोलते, या ये सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, पैसा 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 क्यों करते हैं, है ना, वो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.